नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैथ्स विद राहुल चौहान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इकाई का अंक निकालने की एक बेहतरीन और लाजवाब ट्रिक लेकर आया हूं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, 352 गुणा 908 गुणा 81 47, इसमें इकाई का अंक बताइए। इकाई अंक, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इकाई का अंक, यानी कि मैं पूछूं अगर आपसे ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो हम इधर से देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ से देखते हैं, ना कि यहाँ से देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई के अंक से मतलब हमको, क्योंकि हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई सोचेगा, भाई मेरे को इस संख्या को इससे गुणा करनी होगी, फिर इससे गुणा करनी होगी, फिर उसके बाद एक संख्या आएगी और फिर उसका मैं इकाई अंक बताऊंगा, पहला जो अंक होगा, ऐसे नहीं। देखिए, ये पहला अंक पकड़िए, ये पकड़िए और ये लीजिए, ये पहला वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऐड हो रहा है यानी कि गुणा है तो गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, जो है जैसा है वैसा करेंगे। तो देखिए, 7 गुणा 8, 7 × 8 = 56। तो हम यहाँ पर 56 आ रहा है तो इसको 56 नहीं लेंगे, यहाँ पर भी हम इकाई का अंक ही लेंगे, क्योंकि हमको इकाई के अंक से मतलब है, ना कि उस पूरी बड़ी संख्या से मतलब है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक इकाई के अंक से मतलब है। तो देखिए, हमको इस 6 से मतलब है। अब इस 6 को, या तो आप 56 को यहाँ से इससे 2 से गुणा करो, लेकिन 56 से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, जो कि ये 6 है। अब इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6 × 2 = 12। अब यहाँ 12, अब हमको इकाई का अंक चाहिए सिर्फ, हमने पूरी संख्या को गुणा कर लिया है, तो हमने देखा कि इसमें इकाई का अंक है जो ये 2 है, क्या है, तो 2। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला 999 गुणा 998 गुणा 997 गुणा डेट करके 3 2 1, मतलब मैंने ये बोला आपको, ये इतनी बड़ी संख्या को गुणा करिए और मुझे बताइए कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो हमको इस इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इनके पहले पहले जो अंक है ना, ये इकाई का अंक है, इस संख्या का इकाई का अंक ये, इस संख्या का इकाई का अंक ये है, इस संख्या का इकाई का अंक ये है, ऐसे बीच में जितनी भी है, और फिर जैसे ये है, ये है, ये है, इनको गुणा करना है और उसके बाद हमको इकाई का अंक बताना है। तो बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसमें मतलब ये तो 1 से 999 तक है, तो 999 अंक तो है ही, एक एक लेंगे तब भी, तो इनको कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मुझे आप ये बताइए कि इसमें कहीं पर 5 आएगा, जैसे 9 है, 8 है, 7 है, इधर 6, 996 आएगा, फिर 5 आएगा, तो हमको एक 5 मिल जाएगा, ठीक है। हमको यहाँ पर कोई सम संख्या मिलेगी, सम 2 4 6 8 जो भी, तो हमको वैसे ही दिख रहा है 2 है, और 2 तो कई बार आएंगे, 5 भी बहुत बार आएंगे, तो हमको एक 2 मिल रहा है, ठीक है। ये तो आपको पता है 5 ही मिलेगा, 2 भी मिलेगा, अगर हम इस 5 को और 2 को ही गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 10 आएगा। हमको किससे मतलब है, इकाई के अंक से, तो ये क्या है, 0 इकाई का अंक। मान लो मैंने इन दोनों को सबसे पहले गुणा कर लिया और मुझे मिल गया 10। अब 10 में इकाई का अंक क्या है, 0। अब मैं इस 0 को चाहे 7 से करूँ, चाहे 9 से, 8 से, किसी से भी करूँगा तो 0 ही तो आएगा। तो हमको इसको नहीं देखना, हमको सिर्फ इस तरीके को देखना है कि मतलब ये इतना बड़ा दिया, तो एग्जामिनर हमको इसमें मतलब घपला करता है हमारे साथ, कि हमको अटकाने की कोशिश करता है, तो हमको ये नहीं करना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि इसमें 5 और 5 से गुणा होने वाली कोई सम संख्या मिल रही है, तो वहाँ पर हमको 5 से, जैसे 2 गुणा हो रहा है, 5 × 2 = 10, तो इसमें 0, 5 × 20 = 20, तो 0, 5 × 8 = 40, तो 0, 5 × 3 = 30, तो 0, तो हमको ये देखना है, हमको 5 मिलेगा और 2 मिलेगा, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और इस 0 को किसी से गुणा करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 0।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमको एक कैसा सवाल देगा, अब हमने सीख लिया एक का अंक निकालना। तो देखिए ये ऐसे भी दे सकता है, 216 इंटू 31, और ये तीन अंकों की संख्या है, इसमें इस संख्या की जगह, इस अंक की जगह इसने स्टार दिया है हमको, और इंटू 917, मतलब हम इस संख्या को गुणा करके, गुणा करने पर इकाई का अंक है जो हमें 8 प्राप्त होगा, क्या होगा 8 प्राप्त होगा, हमको 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। तो हमको ये बताना है कि इस जो स्टार है ये, इस स्टार की जगह कौन संख्या है। तो देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे, इसमें हमको वो हमको ऑप्शन भी देगा, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमको उसने 5, बी में है 6, सी में है 9 और डी में नन, यानी कि कोई नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमको जो पता है पहले वो करेंगे। देखिए ये है इकाई अंक, ये इकाई अंक है और ये इकाई अंक, 47 में हमको 2 मिल गया, ठीक है। अब हमको पता है इकाई का अंक क्या आना है, 8 आना है, क्या आना है 8 आना है, 8 आना है। तो हम क्या करेंगे, अब एक बात बताओ, इस 2 को मैं ऐसी मतलब यहाँ पर क्या रखूँ, अगर मैं यहाँ पर 0 मानूँ, 1 मानूँ, 2 मानूँ, 3 मानूँ, अगर मानते मानते तो हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में, सीधा ऑप्शन से देखेंगे। तो देखिए हमको पता है 47 तो होगा, 42 में से हमको 2 यहाँ पर मिल गया। अब हम इसको 2 को इससे गुणा करेंगे और हमको 8 लेकर आना है। तो देखिए इन्हीं ऑप्शनों में से हमारा आंसर है। तो देखिए इस 2 को अगर मैं 5 से गुणा करूँ, मान लो मैं यहाँ 5 रखूँ, तो इस 2 को मैं 5 से गुणा करूँ, 5 दून 10, तो हमको तो 0 मिलेगा, तो इकाई का अंक 0 थोड़ी चाहिए, हमको तो 8 चाहिए। फिर मैं 2 को 6 करूँ, 2 6 12, तो हमको 2 मिलेगा, 12 में 2 आएगा ना भाई, इसमें तो 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास नहीं है, 8 है हमारे पास, तो इसमें 6 2 12 आ जाएगा, तो 2 हमारे पास तो 8 है। अगर मैं इसको 9 से गुणा करूँ 2 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और हाँ यहाँ पर 8 है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, तो देखिए दोस्तों हमको ये सवाल मिला है, और इस सवाल में हमको इसने इकाई का अंक दे दिया कि 4 आएगा, तो आप इस स्टार की जगह क्या आएगा। तो देखिए ये इकाई का अंक है इस संख्या का, इस संख्या का ये इकाई का अंक है, इस संख्या का ये इकाई का अंक है, तो हम क्या करते हैं इकाई का अंक को गुणा करते हैं और उसके बाद हम इकाई का अंक निकालते हैं। लेकिन हमको इकाई का अंक दिया हुआ है, तो हमको इस स्टार के स्थान पर एक अंक चाहिए, तो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए हम सबसे पहले जो मौजूदा है उनको कर लेंगे, तो 48 में से हमको 8 मिल गया, तो हम इस 8 को यहाँ पर ऐसी क्या संख्या माने, इस 8 को उससे गुणा करने पर हमको इकाई का अंक 4 प्राप्त हो जाए। तो देखिए उसी हिसाब से इन ऑप्शनों से गुणा करेंगे इसको, तो 8 एकम 8, तो यहाँ पर तो हमको 8 मिल रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको 4 चाहिए। यहाँ पर 8 को 2 से करेंगे, 8 2 16, हमको 6 मिल रहा है, और ये हमको नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ ये चाहिए। हम इस 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 2 64, और यहाँ पर मिल रहा है 4, और हमको 4 ही चाहिए, तो ये एकदम सही ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये देखिए 615 इंटू 913 इंटू 21 के साथ में स्टार है, इस संख्या को गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आता है, तो स्टार के स्थान पर क्या, वही पिछले सवालों की तरह। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक ये है, इसका ये है और इसका ये है, तो हमको इसके स्थान पर चाहिए। देखो दोस्तों हम 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, हमारे पास इकाई का अंक 5 आता है, 5 आता है, हमको चाहिए 0, तो हमको 0 चाहिए और 5 आया है, तो इसको स्टार के स्थान पर क्या रखे कि यहाँ पर हमको इकाई का अंक 0 मिल जाए। तो देखिए हम इस 5 को 0 से गुणा करें, तो 0 को तो किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही आएगा, तो हमको ये हमारा आंसर मिल गया। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे यार पहले ऑप्शन में ए में ही हमको मिल गया, तो वो आगे देखते ही नहीं है और बड़े खुश होते हैं कि भाई मेरा सही हो गया, सही हो गया। जब घर आकर देखते हैं तो यार ये तो मेरा सही था, तो गलती नहीं है हमारी, बाकी ये है कि हमने और ऑप्शनों को चेक नहीं किया। तो देखिए दोस्तों
दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, 5 को 2 से गुणा करें, 5 दुआ 10, और इसमें एकाएक अंक ये है तो ये भी सही है। 5 चौका 20, इसमें एकाएक अंक ये है, ये भी सही है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। और यहाँ तक हम पहुँचते ही नहीं है और हम यहीं इसको सही करके चले आते हैं और वो हमारा गलत हो जाता है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इकाई के अंक निकालने की एक ट्रिक बताई है दोस्तों। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी कमी लगे, कुछ भी कमी लगे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आप कमियों को सुधारने का पूरा पूरा कोशिश करूँगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।